हेलो नमस्ते, सब्सक्राइब कीजिए मेरी जी चैनल को रेड कलर के बटन को दबाकर और पास ही बने इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें इस चैनल के सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फूडीज, वेलकम टू मेड इजी। अब आ चुका है मौसम गर्मियों का और गर्मियों में सभी को खाना लाइट पसंद होता है, तो लाइट में सब्जियों में हम खाते खाते बोर हो जाते हैं तोरी और लौकी। तो आज इस तुरई को बनाते हैं एक नए अंदाज से। तो चलिए मेड इजी के नए अंदाज में आप इस मसालेदार तुरई को घर में बनाइए आसानी से। तो इसको बनाने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तोरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधे किलो तोरी ली है, जिसको मैंने छील कर काट लिया है इस तरीके से और धुल लिया था। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, और यहाँ पर एक मैंने प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, जिसको मैंने बारीक काट लिया था। साथ ही मैंने लिया है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक अपने स्वाद अनुसार हम इस्तेमाल करेंगे, और ये लाल मिर्च पाउडर है। इसमें एक इंग्रेडिएंट है जो कि ऑप्शनल है, वो है गरम मसाला, अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया है और गैस के फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर डाला है ऑयल, 1.5 बड़े चम्मच ऑयल है। जब ऑयल अच्छा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज है। इसको डालने के बाद हमें इसे अच्छे से भूनना है, और इसे हम तब तक भूनेंगे धीमी आँच पर जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन कलर का नहीं हो जाता। इसको चलाते रहेंगे, देखिए इस तरीके से चला चला कर हम इसको देखेंगे, और ये हल्का सा गोल्डन कलर का होने लगेगा तब हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे, और लो फ्लेम पे हम डालेंगे सारे मसाले। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 2 छोटी चम्मच के करीब डाला है धनिया पाउडर, और साथ ही मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी, जिससे कि ये मसाला बिल्कुल भी जले नहीं। अब इसको हमें बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है, और साथ ही मैंने यहाँ पर डाला है 1/3 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसको डालने के बाद अच्छे से एक बार फिर से मिक्स करेंगे, और इसको हमें मसाले को एक से दो मिनट तक भूनना है इस तरीके से धीमी आंच पर। और उसके बाद जब मसाला अच्छे से तेल छोड़ देगा तब हम इसमें डालेंगे तोरी इस तरीके से जो काट के हमने रखी हुई थी। इसको डालने के बाद मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब हम डालेंगे इसमें स्वाद का तड़का यानी कि नमक। नमक डालने के बाद इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, यानी प्रेशर कुकर की लिड को आपको लगा देना है और इसको बंद कर देना है। हमें इसमें पानी नहीं डालना है, और गैस के फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देना है। हाई फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे एक विसल तक, एक सीटी आने तक इसको कुक करेंगे, और उसके बाद हम गैस के फ्लेम को धीमा कर देंगे, और सबसे लो फ्लेम पर हम इसको 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। 5 से 10 मिनट पकाने के बाद मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ, और ऑफ फ्लेम रहने के बाद जब प्रेशर पूरी तरह कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा तब हम प्रेशर कुकर को ओपन करेंगे। ये देखिए तोरी कुछ इस तरीके से दिख रही है, अभी ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हल्का सा करछी की सहायता से इसको हल्का सा मैश कर देंगे। अब मैं यहाँ पर गैस के फ्लेम को दोबारा से ऑन कर रही हूँ, और इस तरीके से हल्का सा चलाते हुए करछी से इसको इस तरीके से हम मैश कर देंगे। अब यहाँ पर आप ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला 1/3 छोटी चम्मच स्प्रिंकल कर सकते हैं, और इस तरीके से तेज आंच पर हल्का सा जो इसका रशा है उसको हम हल्का सा गाढ़ा कर देंगे ताकि बहुत पतला सा नहीं लगे। और ये देखिए ये बिल्कुल खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है, मसालेदार तोरी हमारी बनके तैयार है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो नीचे लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और मेड इजी को इस तरीके से देखने के लिए धन्यवाद। आप मेड इजी के साथ इस तरीके से बने रहिए, मैं आपके लिए और रेसिपीज लाती रहूँगी। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।